हम भुट्टा का चाट बनाते हैं। उसके लिए मैंने छिलका हटा कर इस तरह से छुरा ली हूँ। अब इसमें हम इधर कढ़ाई मेरा गर्म हुआ, इसमें मैं सरसों डाली हूँ। अब पहले इनमें हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। मैंने सेंधा नमक डाल रही हूँ, इसमें नवरात्रा चल रहा है तो जो नमक खाते हैं वो बना सकते हैं। इसको अब इसमें जाएगा थोड़ा जीरा मिर्च और लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी तीखा भी डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है उतना। नमक डाली हूँ, हल्दी डालूँगी। अब सारे को इस तरह से हाथ से या कुछ भी से मिला लीजिए, मैं हाथ से मिलाई हूँ। और इसको इसमें डाल कर ढक ढक कर भून लूँगी। इसको इस तरह से चला चला कर भून भून कर चला लूँगी, सिझा लूँगी, सॉरी फिर भून भून कर मैं इसको पका लूँगी। अब इनको हम ढक देते हैं, चलिए इनको अब ढक देते हैं इसी तरह से, ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट पका लीजिए भून के, बहुत जल्दी पक जाते हैं। अब इसी दौरान थोड़ा सा जितना तीखा पसंद करते हैं तीखा, और टमाटर में एक काट के डालें। लगभग ये मेरा तैयार हो गया है। चलिए ये बनकर तैयार हो गया है। अगर समझ में ना आए तो मुँह में डालकर देखिएगा, सुनहापन आ जाएगा, अच्छा लगेगा, पक जाएगा। तो इसको इस तरह से हम प्लेट में निकालेंगे। जितना खाना है उतना निकाल लीजिए, नहीं खाना है उसको देखिए इस तरह से हम प्लेट में निकाल लिए। अब इसको हम प्लेट में परोसने के लिए सजाते हैं। अब चलिए इनको हम पहले इसमें हम मक्का डालेंगे। अब जाएगा ऊपर से थोड़ा सा खीरा, मैं कद्दूकस की हूँ, फिर थोड़ा सा अगर प्याज नहीं खाना है तो प्याज में ही डालें, हम अपने लिए अलग से निकाल लूँ, मैं खीरा डालूँगी, और जो प्याज खाते हैं उनके लिए आप प्याज ऊपर से डाल सकते हैं। उसके बाद जाएगा हल्का जितना पसंद करते हैं उतना लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्का पनीर, धनिया पत्ता, इमली चटनी, पुदीना का चटनी, पुदीना और हरा धनिया का,
थोड़ा सा टमाटो सॉस, ज़्यादा नहीं, ऊपर से आलू वाला घर का बनाया हुआ भुजिया। चलिए ये तैयार है, आइए और खाइए। कैसा लगा मेरा भुट्टा का सलाद? आइए फिर और मेरे भुट्टे के सलाद का आनंद लीजिए।